हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया है। जैसा कि आप जानते हैं, लास्ट वीडियो में हम राउटिंग के बारे में सीख रहे थे, तो उसी वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं और इस वीडियो में हम यहाँ लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि कंट्रोलर का नाम शायद रॉन्ग लिखा था हमने, इसलिए पेज लोड नहीं हो रहा था। तो यहाँ हमने कंप्लीट नाम दिया है यूजर कंट्रोलर और स्लैश करके दिया है मेथड का नाम। तो कंट्रोलर का नाम काफ़ी बड़ा हो गया था यहाँ पर, तो और हम कंप्लीट नहीं लिख पा रहे थे पहले वीडियो में, इसलिए वो नहीं चल रहा था। तो यहाँ हमने कंट्रोलर का नाम कंप्लीट दिया था, बट ये केपीएचपी में जैसे कि आपने देखा होगा, सीखा होगा, केपीएचपी किया होगा आपने, वहाँ पर हमारा कंट्रोलर का पूरा नाम नहीं देना होता था, सिर्फ जो कंट्रोलर है, जैसे हमने यहाँ यूजर कंट्रोलर बनाया, वहाँ सिर्फ यूजर नाम देना होता था। तो यहाँ हम इसको चेंज कर लेते हैं और यहाँ हम इसको नाम छोटा कर देते हैं यूजर। तो कंट्रोलर का नाम हमने लिया है यूजर, तो यहाँ भी हमें चेंज करना होगा। तो इस तरह से हमने अब नाम ले लिया यूजर, तो ये यूजर कंट्रोलर हुआ। यहाँ भी हम देखेंगे यूआरएल पे अभी पेज नहीं चलेगा, क्योंकि अभी लोड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ नाम हमें थोड़ा शॉर्ट में डालना होगा, जो यूजर या यूजर नाम से हमने बना। देखिए ये पेज रेंडर हो गया। तो अभी तो आपने देखा कि ऊपर कंट्रोलर का नाम लिखा है पहले और उसके बाद मैथड का नाम। तो सेम ऐसा ही आपने केपीएच में भी देखा होगा। तो यहाँ हम राउट्स में जाते हैं, कॉन्फ़िगरेशन फाइल फोल्डर के अंदर राउट्स में ये फाइल, यहाँ से भी नाम चेंज कर लेते हैं, कंट्रोलर हटा देते हैं। तो ये तो आने दोस्तों, अभी काफ़ी वीडियोज हम लोग देखेंगे इसमें राउटिंग पर। और ये हम कॉन्फ़िगरेशन में अगर जाएं, रजिस्टर है ये, तो ये राउटिंग का फोल्डर है ये, यहाँ राउट्स में चलिए ऐसा करते हैं, एक एक्शन और बना लेते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, शेयर भी कर दीजिए, लाइक भी कर लीजिए। हमने एडिट नाम का एक्शन इसमें और बना लिया। और यहाँ हम व्यू का नाम भी देते हैं, जो एचटीएमएल फाइल है, यहाँ हमने यूजर्स फोल्डर हम बना चुके थे। तो यहाँ हम एडिट थे ऑप्शन तैयार किया, उसके अकॉर्डिंग आपको एचटीएमएल फाइल बनानी पड़ेगी एडिट नाम से। तो यहाँ इको के लिए हम कुछ लिख लेते हैं जिससे प्रिंट हो जाए जब ये पेज, ये यहाँ कुछ हमें शो करना है पेज पर, जिससे हमें पता चलेगा कि सही पेज लोड हुआ है, सही एचटीएमएल पेज। तो यहाँ हम कुछ मैसेज दे देते हैं। तो दोस्तों आने वाले वीडियोस में हम ये भी देखेंगे राउट पर किस तरह से हम आईडी पास करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ यूजर और एक्शन का नाम एडिट, तो ये देख सकते हैं एडिट एक्शन के को मैं एडिट एक्शन में हमने व्यू लोड कराया था एडिट वाला।
तो यहाँ पर एक चीज है कि जैसा आपने केक पीएचपी में देखा था कि वहाँ व्यू वगैरह लोड कराने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो एक्शन के अकॉर्डिंग लोड होता है, बट यहाँ पर हमें हम चाहे जो व्यू आप किसी एक्शन में लोड कराना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो केक पीएचपी में चलिए एक हम यहाँ पर एक कंट्रोलर और बना लेते हैं पोस्ट नाम का। तो यहाँ हमने एक पोस्ट नाम का कंट्रोलर और क्रिएट कर लिया है, और यहाँ हमने क्लास को कॉपी पेस्ट कर लिया है यूजर्स क्लास को, यूजर क्लास को। तो यहाँ हम यूजर की जगह पोस्ट लिखेंगे, तो ये पोस्ट नाम का कंट्रोलर एक हमारा तैयार हो गया। तो इसमें एक एक्शन बना लेते हैं, तो यहाँ आप जानेंगे कि किस तरह से हम एक्शन बना रहे हैं एक कंट्रोलर के अंदर, और किस तरह से हम उसको यूआरएल पर हम उसको लिख रहे हैं कि कौन सा कंट्रोलर और में कौन सा एक्शन हमें एग्जिट कराना है। अब देखिए ये इंडेक्स फंक्शन यानी इंडेक्स एक्शन आपने यहाँ बनाया, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ हम पोस्ट में इस तरह से कर लेते हैं, जो एक जैसा काम होता है उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, टाइम बचा सकते हैं हम लोग। तो यहाँ अब हमें पोस्ट नाम का एक फोल्डर बना लेते हैं, व्यू में जाकर पोस्ट नाम का एक फोल्डर बनाएंगे और उसमें इसके जो आप व्यू पे यूज करेंगे इसमें लोड कराएंगे तो उसको हम सेपरेट, चलिए यहाँ एक फाइल तैयार कर लेते, एक फाइल बना क्रिएट कर लेते हैं, अब पहले फोल्डर क्रिएट कर ले सॉरी फोल्डर क्रिएट करेंगे पोस्ट नाम का, और इसके अंदर हम एचटीएमएल फाइल बनाएंगे। चलिए एक फाइल हम क्रिएट कर लेते हैं, इसमें इंडेक्स एक्शन बनाया हमने तो उसी नाम से हम ये एचटीएमएल फाइल बना लेते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ कुछ प्रिंट कराने के लिए इको करा लेते हैं, जब ये एचटीएमएल फाइल लोड होगा तो ये वहाँ प्रिंट हो जाए, जिससे हमें पता चल जाए कि ये ही देख किस तरह से हम कंट्रोलर क्रिएट कर रहे हैं और कंट्रोलर के अंदर, और कंट्रोलर हम कहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं, एप्लीकेशन के अंदर एक कंट्रोलर नाम का फोल्डर होता है वहाँ पर हम अपने कंट्रोलर को क्रिएट कर रहे हैं, और उस एप्लीकेशन के अंदर व्यू नाम का फोल्डर होता है व्यू, तो हम वहाँ व्यूज क्रिएट कर रहे हैं। तो देखिए हमने यहाँ लिखा पोस्ट कंट्रोलर का नाम और आगे एक्शन का नाम इंडेक्स, तो ये पोस्ट कंट्रोलर में जो हमने व्यू लोड करा है इंडेक्स नाम का वो लोड हो चुका है। तो दोस्तों ये हमारा सेकंड वीडियो है राउटिंग का, अभी हमें और आगे वीडियो बनाने हैं किस तरह से हमें राउट डिफाइन करना है, किस तरह से हमें मैपिंग करनी है, यूआरएल के साथ राउटिंग की मैपिंग करना है, और कौन सा हमें कंट्रोलर का कौन सा फंक्शन एसेस करना है, वो सब हम आने वाले वीडियोज़ में और देखेंगे। हम सिर्फ छोटी छोटी चीज़ों पर वीडियो बनाएंगे, जैसे राउटिंग लेना है तो राउटिंग को क्लियर करेंगे। तो दोस्तों वीडियो ख़त्म होने से पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने इतना कीमती टाइम निकाला। तो यहाँ हम एक एक्शन और बना लेते हैं एडिट, तो ये पोस्ट कंट्रोलर है, पोस्ट कंट्रोल के हमने एडिट नाम को एक एक्शन बना लिया है। जब हम क्लासेस यूज करते हैं क्लास का नाम आता है तो उसके अंदर जो फंक्शन होते हैं उसको हम एक्शन के नाम से जानते हैं, अधिकतर एक्शन बोला जाता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ये आप जानते हैं। तो यहाँ देखिए फाइल क्रिएट कर रहे हैं, ये मैं नेटबीन यूज कर रहा हूँ, नेटबीन आईडी, तो यहाँ इस तरह से फाइल को क्रिएट किया जाता है। तो चलिए यहाँ से इसकी कोई जरूरत नहीं, इसको हटा लेते हैं, एको करा लेते हैं कुछ। तो नेटबीन में भी आप जो एडिट जिस एडिटर में आप काम करना चाहें कर सकते हैं, मैं फिलहाल नेटबीन में कर रहा हूँ। तो यहाँ कुछ, तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।
और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए इस तरह से आप यहाँ जान चुके हैं किस तरह से मैं कंट्रोलर में एक्शन बनाते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, इतना टाइम आपने निकाला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।